All right, joining Tiger Shroff on stage, the awesome threesome, Mr. Hiren Gada, Miss Kranti Gada, and Mr. Zubin Dubash on stage, please. Yeah, aapka big photo opportunity here with our three corporate icons and Tiger Shroff. तालियां आज बजाएंगे कल बजाएंगे सेंटर स्टेज प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन चार लोग चार मसीहा जिन्होंने एंटरटेनमेंट स्पेस को कंप्लीटली चेंज किया है नई राह दिखाई है आई लाइक द चीयरिंग वेयर आर द असली बॉलीवुड फैंस असली फैंस कम ऑन All right, I request our dignitaries, aap log side pe aa jaye, please. Tiger, good to see you, younger brother. And now, ladies and gentlemen, the official launch of Shemaru Me. Introducing Shemaru Me, a destination for Asli fans. We bring you the best of masala entertainment. सुनो मैं बात कर रहा हूँ हाँ बहुत कमाल बात कर रहे हो वैसे वैसे भी कम है और हम रूम घंटे के हिसाब से लेंगे गीत यू नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बी प्रैक्टिकल यार इसमें शर्माने की क्या बात है हमें कुछ ही घंटों का काम है हम रूम पर आर पे लेंगे टाइमलेस क्लासिक्स मैं इन ख्वाबों को हकीकत में बदल दूंगा Evergreen songs. Don't you know? Don't not you? I'm made it up. Don't not you? Go! I am a disco dancer. Best curated programming available 24/7. जो आ गया पिताजी, आप जरा भी चिंता ना करें. रंगीलो गुजरात नू एंटरटेनमेंट. बीजा ना संसार ना भवाड़ा जोवा मले इटले राजी राजी आ. Experience devotion like never before. असली फैंस यहाँ पे भी है तो एक सलूट मारे सबको वन टू थ्री लेट्स डू दिस टू द असली फैंस लेडीज एंड जेंटलमैन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट मैं चाहूंगा कि अपने डिग्निटरीज प्लीज कुर्सियों पे बैठ जाएं कैन आई रिक्वेस्ट माय होस्टेस टू प्लीज पास द माइक थैंक यू सो मच थैंक यू टाइगर बैठिए प्लीज हियर यू गो ये लीजिए सर दोस्तों थोड़ी एनर्जी मिल जाए थैंक यू कम ऑन माय असली फैंस ऑलराइट ये एक छोटा सा रैपिड फायर है ठीक है तो आप सबको एक एक सवाल में प्रश्न पूछूंगा स्टार्टिंग विथ टाइगर ओके माइक चेक ऑलराइट चेक अप्रूव्ड चेक इन अकाउंट वन मूवी जो आप बार बार देखना पसंद करते हैं वो कौन सी फिल्म है आई थिंक मेरे पापा की पहली पिक्चर हीरो आई वुड से हीरो इज डेफिनेटली एन ऑल टाइम फेवरेट है और वो क्यों बहुत अच्छे गाने थे बहुत खूबसूरत कहानी थी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस बाय ऑल द एक्टर्स एंड या यू नो टॉकिंग अबाउट दैट मैं आपको सालों से जानता हूं आपका पैशन फॉर सिनेमा इज फिनोमिनल लगता है जैसे कि आप ब्रीद ईट स्लीप सिनेमा करते हैं टेल अस अबाउट योर पैशन फॉर सिनेमा वेल जहां तक मुझे याद है बचपन से यू नो माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू हैव वीडियो उस जमाने में वीडियो कैसेट्स आते थे तो आई हैड ईच वन ऑफ माय फादर्स फिल्म्स ऑन वीएचएस एंड दे वर ऑल एक्चुअली शेमारु फिल्म्स सो यू नो एवरी नाइट आफ्टर कमिंग फ्रॉम यू नो माई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज या स्कूल के बाद में हमेशा एक फिल्म देखता था विदाउट फेल ऑफ माई फादर वाओ लेडीज एंड जेंटलमैन गिव इट अप फॉर जग्गू दादा वेयर एवर ही इज राइट नाउ उनको तालियों की गड़गड़ाहट पहुंचनी चाहिए ये बताइए असली फैन हम सब यहां पर ये आप सब असली फैन हैं वॉट मेक्स यू एन असली फैन ऑफ बॉलीवुड मसाला Just the fact that, you know,
A true blue Bollywood film has, you know, it serves as an entertainment source for all age groups, you know, and not only India, but it's all over the world, you know. People love Bollywood films because of the music, because of the emotion, because of how holistic they make our films out here in Bollywood. So I think just the fact that it's so entertaining and it just gives you, it stirs you in some way or the other. So yeah. Touches your heart, touches the human emotions. Shemaru aur aap mein maine ek cheez common notice kiya. Batao kya? Puchho kyun? Kyun? Wo ye hai. Aap dono अलग अलग एज ग्रुप्स के दिल को छू लेते हो. यंगस्टर्स हो, फैमिलीज हो, बुजुर्ग हो, यू कट अक्रॉस एवरी एज ग्रुप, एवरी स्पेक्ट्रम. टेल मी अबाउट योर एसोसिएशन विद शिमारु. वेल, लाइक आई मेंशन, यू नो, मोस्ट ऑफ माय फादर्स फिल्म्स हैव बीन, यू नो, शिमारु फिल्म्स. सो जस्ट, यू नो, आई थिंक आई एम वेरी लकी एंड ब्लेस्ड टू बी हियर शेयरिंग द स्टेज विद, you know, the three of them right now, and being associated with the Shimaru Me app from now on. And it's, you know, it's old classic films never go out of fashion, and Bollywood masala films never go out of fashion. So yeah. Wow, here's to classic and Bollywood cinema, which will always remain years to come down the line. Hiren sir, namaskar. To aapka prashna ye hai, something about movies जो आपको नॉस्टैल्जिक बनाता है वो क्या है? What makes you nostalgic about movies? For me, one of the most nostalgic is dialogues. So, you know, हमारे कई सारी फिल्में जो बचपन में देखी हैं या अभी भी देखते हैं, आई थिंक डायलॉग्स इज समथिंग, यू नो, एंड कभी कभी वो डायलॉग बाई इटसेल्फ इट में उसमें शायद ज़्यादा मीनिंग नहीं हो, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में और द वे इट वॉज, लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू नो, अमर अकबर एंथनी का डायलॉग है, फादर को बाप बोलते हैं और तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है. वी हैव अ लॉट ऑफ अमिताभ फैन क्लब हियर. सो भाई, तो हमेशा ऐसे ही रहते हो क्या? आई लव इट, गिव इट अप फॉर द असली फैंस. इसलिए हमने असली फैन ये हैं. हम तो कोशिश कर रहे हैं कि एक मीडियम बने, जरिया बने ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए. सो आई थिंक डायलॉग्स हैज बीन समथिंग दैट रियली रियली हैज कनेक्टेड. ऑफ कोर्स म्यूजिक इज एन ऑल टाइम फेवरेट, बट अलोंग विद दैट आई थिंक डायलॉग्स. सुपर्ब. मैम, आपसे मेरा अगला प्रश्न, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी मेमोरी? कोई पिक्चर आपने देखी होगी हॉल में या स्कूल से कल्टी होकर आप चुपचाप गई एक फिल्म देखने? टेल अस अबाउट दैट एक्सपीरियंस. सो फॉर मी द मोस्ट मेमोरेबल मूवी इज जब वी मेट. इट्स बिकॉज नई नई शादी हुई थी, घर में एक ही टीवी था हॉल में, और हॉल में लिटरली बेयर बोन फर्नीचर था, लेकिन लिटरली एवरी डे वो पीरियड में जब नई नई शादी हुई थी, रोज जब भी मैट आती थी टीवी पर, और लिटरली रोज खाना खाते समय या कुछ करते समय हम लोग जब भी मैट देखते थे. सो फॉर अस, यू नो, दैट अर्ली पीरियड ऑफ माई मैरिज अटैच्ड, आई मीन लॉट ऑफ मेमोरीज अटैच्ड टू दिस फिल्म. How many times have you seen Jab We Met? Count rakha aapne? No count. I'm sure more than 45, 50. Next, I think mere pe hi film ban sakti hai Birju ke bajaye. So when you touch 50, we shall have another event for that only. Taliya ma'am ke liye. Thank you so much. Keep the movie going experience, watching experience going. Zubin, aap tech savvy hai. Mane aapko jo association hai, bonding hai with technology, wo sab jante. To ek technology based film जो आपके दिल के करीब है वो कौन सी फिल्म है? अनडाउटेडली रोबोट. जो रोबोट है, दैट्स बीन सच अ फैंटास्टिक फिल्म, एंड उसमें जो साईफाई है, स्पेशल इफेक्ट्स है, दैट हैज बीन सो सो गुड. अनदर वन दैट वी सॉ रिसेंटली वाज बेबी. यूजिंग सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी टू गो एंड क्रिएट एन एंटायर प्लॉट, फैंटास्टिक स्टफ. सो थ्रिलर्स बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी मेरा शौकीन है, मैं शौक हूँ. रोबो और सॉरी, माय हिंदी इज अ लिटिल पारसी, सो प्लीज बेयर विद मी. बट एनीवे,
Sir, whatever you are doing is brilliant because you've given us Shemaru Me, sir. Taliya ho jaye, usi mein badi baat hai, sir. That's a big thing you've done for all of us. Okay, coming back to you, Tiger. Whenever I see you, I feel like roaring. Because you are the true tiger in every sense of the word. Which is the first movie that comes to your mind jab main ye shabd bolta hoon? Pehla, Bike. Dhoom. Umbrella. Shri 420. Kya baat, I love that film too. Vintage car. Pass. Mera favorite batao kya? Batao na. Haan, bata do. Chalti ka naam gaadi yaar. Okay. Hum dono saath mein dekhenge bhai. Done. Pakka haan, sir, ek screening arrange kar dena, nahi to app download kar lenge. Aur wahan pe dekh lenge, sir. Isliye to Shemaru Me hai. Thank you. Haan? Of course. तो टाइगर डाउनलोड कर लिया आपने? ऑलरेडी यस. तो हम दोनों बैठ के देखेंगे आज. हाँ, 9 बजे के बाद कोई फोन मत करना, दोनों भाई बैठ के देख रहे हैं शेमारू मी पर. विस्की क्लास. देवदास. क्या बात है. देवदास कितनी बार देखी है आपने? ऑनेस्टली आई थिंक 3-4 बार तो देख चुका हूँ. क्या बात है भाई. बट वी ऑल नो विस्की ग्लास देवदास, बट ही इज अ टी टोटलर. सो ये सिर्फ देखते हैं, कंज्यूम नहीं करते, विच इज ब्रिलियंट अबाउट यू. गिव इट अप फॉर दैट फिटनेस एस्पेक्ट ऑफ टाइगर श्रॉफ. और अब मैं चाहूंगा हमारे मित्रगण जो ऑडियंस में हैं, आप अपने हाथ उठाइए. हमारे वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे माइक के साथ. प्लीज शेमारू मी पर ही सवाल रखिएगा. हमारे डिग्निटरीज हैं, जो बिजनेस एस्पेक्ट हो, एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट हो, सब. और टाइगर वी हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस. सो प्लीज लिफ्ट योर हैंड्स, और इफ यू गिव से अ लाउड असली फैन, माइक आपके पास आएगा. जो लाउड से कहेगा असली फैन, कौन सवाल पूछेगा, हाथ ऊपर करिए. ऑलराइट, तो माइक वो दीजिए हमारे वॉलंटियर. सर शिबारू का एक हम लोग लाइक वी अमिताभ बच्चन एक्सटेंडेड फैमिली, हम लोग लगभग 3 इयर्स से आपसे जुड़े हुए हैं, पर हमको इस डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपकी टीम है, एक सबसे बेस्ट और सबसे अपार्ट लगा है कि आप लोगों ने हमेशा एक फैन को सुपर हीरो के रूप में उसको एक प्रोड्यूस किया है. दुनिया ने शायद आज देखा होगा आपका ये प्रोमो, लेकिन हम टी है बहुत सुपीरियर है. आप लोग हमें कभी नहीं भूले जब भी आपका स्पेशल स्क्रीनिंग वगैरह होता है. सो आई वुड से शिमारू मी मेड अ फैन एज अ सुपर हीरो, सुपर रियल हीरो. वो आपका सिर्फ टैगलाइन नहीं है, आपकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है. एंड वी विश टू एसोसिएट विद यू सेम अगेन इन फ्यूचर. हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू, मींस अ लॉट. आप असली फैंस हैं, तभी तो शेमारू मी है, हम सब है. अगला प्रश्न कौन पूछेगा, हाथ ऊपर करिए. असली फैन चलाइए, दिल से चलाइए, माइक आप तक पहुंचेगी. वो पीछे, गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं आप? गिव इट अप फॉर मैम, सवाल पूछना भी बड़ी बात होती है. थैंक यू सो मच. आपका प्रश्न क्या है और किस पर आप वो सवाल पूछना चाहेंगी? ओके सो सर गणा सर, आपसे मेरा सवाल है कि हर प्लेटफॉर्म ने अपना यू नो ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, तो शिमारू ने इतना लेट ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का क्यों सोचा? मैं इसको एक अलग वे में देखता हूँ कि ये जो डिजिटल इरा है, इसको शुरू हुए अभी 2 साल ही हुए हैं. जब से 4G इंडिया में आया, तभी से डिजिटल वीडियो का इरा शुरू हुआ है. ये तो सिर्फ शुरुआत है. अभी 250 मिलियन के करीब डिजिटल वीडियो कंज्यूमर्स हैं, और ये 3 साल में डबल या 5 साल में ट्रिपल होगा. तो ये सिर्फ एक शुरुआत है. तो हमने भी ओवरऑल कंजम्पशन ट्रेंड्स देखे लॉन्च करने से पहले, या इसमें फोरे करने से पहले, कि वेदर इट इज़ वर्थ वाइल, कि जो कंटेंट है वो कंज्यूम किस तरह से हो रहा है, उसकी क्या डिमांड है, और कैसे लैंडस्केप बढ़ रहा है. तो उसके हिसाब से हमने सोच समझ के ही इसको लॉन्च करने का डिसीजन लिया. ओके टाइगर, जैसे कि आपने कहा कि आपके डैड है वो शिमारू से ऑलरेडी रह चुकी है, तो आज शिमारू के यू नो ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़ के आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक मौका मिला टू बी यू नो एसोसिएटेड विद देम इन रिगार्ड्स टू शिमारू. खासकर क्योंकि आई थिंक क्लासिक फिल्म्स जैसे मैंने कहा नेवर गो आउट ऑफ फैशन, एंड इट्स ग्रेट दैट दिस ऑन दिस ऐप, ऑन द शिमारू मी ऐप, वी हैव एक्सेस टू सीइंग ऑल दीज क्लासिक फिल्म्स अगेन.
as well as the new films. So, yeah. Next question. Yes, ma'am. Good evening. Good evening. Tiger, how much are you tech savvy? How much do you like technologies and how much do you like using apps? You know, I'm very non-tech savvy actually, but you know, I've got a great digital team, and so they help me out. And yeah, I think I'm getting a little better now, and it's not rocket science, but yeah, I use for example now the Shimaru Me app, Instagram, Twitter, WhatsApp. You know, like these are the basic apps that I use right now. And talking about your upcoming movies, Shraddha Kapoor is reuniting with you in Baagi 3. So yes. How much excited you are for that movie? Very excited to be, you know, associating myself with her again and reuniting. We were in part one and now we're coming back in part three. So looking forward to working with her. Yeah. All right, a humble request, ma'am, if you don't mind. Sincere request. Sawal, please. Shemaru me pari rakhe. Thank you so much, man. Appreciate it. The interface is very much beautiful. It's a young youth colors. The interface, when you talk about it, it's a bright colors. You all have a green, blue, and all. But when talking about other OTT platforms already launched in the market, where they already strategize and they'll build up the numbers of reaching up the audience, downloads of number of app, and well, you all are in the right now entering into market. So, what are your strategy plan in getting number of targets of in terms of downloads in first quarter or something like that? And how you all are planning to reach to the Tier 1, Tier 2 cities. So, firstly, हमारी जो offering is completely different from typically what is currently being offered. So, we have tried to segment the consumer differently. Now, because of that, there is actually no benchmark कि what should be a good number. Even we don't know at this point in time. We know that, for example, we have certain data from our own YouTube consumption, etc., that there are so many users, so much consumption is happening, so many subscribers, YouTube being free, but still it gives us some indication. Our effort will be to migrate or upgrade or upsell many of those users to our to transition those users to our platform, as many of them as possible. It's a journey. We also don't know what would be a good benchmark as a number to do. I guess we'll all discover it, you know, over the next 3 to 4 quarters and based on consumer feedback. And what was the second? How will we reach to the tier 2, tier 3? I think, firstly, we ourselves have a captive user base of probably about 90 million monthly users, which is a easy target audience to you know, communicate, educate, and inform that, you know, now all of the content which they love is available in one destination, well curated, you know, in a very nice way presented, and plus there is so much more value-added content along with that, which you know, which they will discover as they go along the journey. Okay, thank you, Tiger. One last question. Plus, of course, sorry. So there will be other mass media campaign in terms of marketing, advertising, PR, distribution. So that's one thing. So in terms of awareness, and second is in terms of availability, there will be various distribution tie-ups and integrations with all the major platforms, whether it's the telecom operators, whether it's other platforms like cable operators, DTH, etc. So we will be putting into as many platforms as possible, smart TVs, so many platforms. Okay, thank you. Tiger, one last question to you. Basically, in when we're talking about OTT platforms, how many OTT platforms we can see in your mobile are you using currently, might be? Oh, you know, like I said, just these basic ones that I've been using, and Shemaru Me is the latest one that I've added to my phone. नहीं मैंने इनका फोन चेक किया है भाई साहब, मैंने चेक किया है, सिर्फ Shemaru Me है, मैं इनका फोन एक्सेस करता हूं, है कि नहीं? ओनली वन ऐप Shemaru Me, ताली बजाइए उसके लिए. एंड डेली हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन दोस प्लेटफॉर्म्स और माइट बी सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म्स आल्सो? हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड, हाउ मच टाइम डज इट कंज्यूम योर डेली लाइफ? नॉट मच, आई एम नॉट अ वेरी फोनी पर्सन, बट you know, when I'm at the end of my day, you know, I usually do, for example, now the Shemaru Me app, I probably watch a movie or something. So, yeah. Thank you. मैं और ये देख रहे हैं साथ में. All right, अगला प्रश्न कौन पूछेगा? अरे ये हमारे भाई साहब यहाँ पे. हेलो सर, कैसे हैं आप? हाँ,
Hi, good evening. So the strength of Shemaru is obviously its content library size, which is, as you said before, 3,500, right? So a portion of that library is already present in other streaming services. So now that you have your own app, is that library going to be pulled from that those streaming services? Or is Shemaru going to continue keeping its partnerships with the existing partners? So today, the way the whole digital space is evolving, I think a lot of platforms actually are sharing libraries or sharing content. You know, so, well, I don't want to take names, but, you know, some content from certain platforms is up or available on many other platforms. So our focus will be to create, to look at the it in two ways. One is, which are the core needs of the consumer that we are addressing? That content we will focus only for Shemarumi. There are other needs which some other platforms are probably meeting better than what we can do because of various aspects, whether they have certain different content or additional content, etc. There, it may be better to partner with one or even more producer, platform provider. So I think it will be a multi-pronged approach. It's not one aspect. I think the bigger thing is creating or looking at the consumer need, like whether it's the classic content or regional, for example, Gujarati. We have a very, very strong Gujarati or devotional. You know, these are unique consumer needs, and they are across you know, age groups and different target segments. So, how we can deepen the you know, the consumer's experience on each of these needs? I think that's really going to be a big focus. I just want to add to that our biggest strength, apart from the catalog, our actual biggest strength is understanding of the consumer and connect to the consumer and dedication to that consumer. I think well, I'll add to that is curation. I think curation is very, very important. That's, in fact, you know, right, I would say from video cassettes and DVD days, we used to do these song compilations. There's a lot of passion that goes behind all of that, and I think that's what connects very well, you know, with the audience. All right, we have time for one more question. Anybody else? Aakhri prashn kaun puchega? Are we done with those questions? Yeah. We have one question for the asli fan in the audience. Shemarumi, asli fan ko salam karta hai. To mera prashn ye hai. Mere paas gaadi hai, bangla hai, bank balance hai. Tumhare paas kya hai? Are, wo kisne bola? Sahi jawab. Kisne bola Shemaru hai? Sir, khade hoiye sir. Gift de raha hu main sir aapko. कैमरामैन सर आपको एक करोड़ का गिफ्ट फ्रॉम माय साइड सर हाथ ऊपर करिए प्लीज सर वो एक करोड़ का गिफ्ट है मेरी जादू की झप्पी एक करोड़ के बराबर है ना भाई लेडीज एंड जेंटलमैन बिफोर वी मूव ऑन एंड साइन ऑफ अ वार्म राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रमन मारू जी एंड जय मारू जी जो हमारे साथ इस वक्त है थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन ताली बजाइए प्लीज थैंक यू सो मच और हिरेन सर एक गिफ्ट टाइगर श्रॉफ के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द शमारू फैमिली एंड शमारू मी ऐप इज वेल आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज स्टैंड अप एंड आई रिक्वेस्ट आवर डिग्निटरीज फ्रॉम बैक स्टेज देयर यू गो टाइगर श्रॉफ थैंक यू सो मच फॉर अनवीलिंग शमारू मी डाउनलोड इट नाउ Thank you on behalf of all of us. Sir, ये मैं पकड़ लूँ आपके लिए सर आप आ जाइए सर ये गिफ्ट अपने घर तो नहीं ले जाएंगे ये आप ही का आदमी है ना सर पक्का थैंक यू सो मच टाइगर बिफोर वी गो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच लाइक शमारू मी एंड द शमारू फैमिली आई हैव नोन यू फ्रॉम द डे वन दैट यू जॉइन द एंटरटेनमेंट बिजनेस यू ट्रूली सिंबलाइज द प्रेजेंट future and the past of Indian entertainment everyone relates to you thank you so much more power to you Tiger Shroff before you go last words to the fans out there the Asli fans well to all you Asli fans main thank you kehna chahunga hum log jo kuch bhi hai aapki wajah se hai so thank you so much
And guys like you are really inspiring. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much. हाँ ठीक है बनता है सर आ रहा All right. Media bites are still left. All right, but he wants to take a selfie. That's why.